वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने ब्लॉग वीडियो में। और इसी के साथ यह भी उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने घर में और बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इधर देख लीजिए, हो गई है मेरे ब्लॉग की शुरुआत। तो आपको तो पता है मेरे ब्लॉग की शुरुआत मेरे किचन से होती है। किचन का वर्क, किचन क्लीनिंग, फिर उसके बाद घर के काम का सारा कुछ मैं आपको अपने ब्लॉग वीडियो में बताती हूँ। और आप मेरे को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, थैंक यू। सपोर्ट करते हैं मुझे आप, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, धन्यवाद। तो चलिए कर लेते हैं आज काम स्टार्ट। तो आज के ब्लॉग में आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा ब्लॉग में कि करना क्या है। मतलब आज करूंगी फ्रेंड्स गेहूं को साफ, यानी कि आटा पिसवाना है मुझे। तो चलिए करते हैं काम। तो प्लीज़ जिस किसी भी फ्रेंड ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। तो गेहूँ साफ करने हैं। मेरा काम तो यूं ही होता है किचन में, मतलब कि आई हूँ, एंट्री हुई है, नहा धो के पूजा पाठ करके हुई है, अब इसके बाद सारा काम करके फिर जाना है, मतलब कि गेहूँ को साफ करने वापस से, मतलब कि भूत बन जाना है काम करके, मतलब कि गेहूँ को साफ करने में डस्ट निकलती है, गंदगी निकलती है, उसको फटकते हैं तो उसमें कचरा निकलता है, तो मतलब उससे फिर से ना नहाए धोए एक से हो जाते हैं, मतलब कि लिसड़ जाते हैं। तो गेहूं को तो मैं अब थोड़ा टाइम में ही साफ़ कर पाऊंगी, लगभग मुझे बच सकता है 2.5 या 3। और आज वैसे भी मौसम है ना, आज थोड़ा सा छांव है, कहीं बादल है, कहीं छांव है, कहीं बादल है, इसके कारण से आज मेरे को नो टेंशन है। छत पे गेहूं रखी हुई है तो धूप भी आ रही होगी, तो कभी छांव हो जाती है तो कभी धूप हो जाती है, देखते हैं 2:30 बजे तक जाते हैं तब तक धूप रहती है या फिर छांव रहती है। बट ना अभी सुबह मतलब काम करने को किचन का बैठी हूँ तो बिल्कुल बादल बादल हैं, बिल्कुल बादल। तो ये बादल अभी नहीं इतने अच्छे लगते हैं, मतलब कि गर्मियाँ तो आ जाएँ उसके बाद बादल सही लगते हैं, बारिश में होना तभी सही लगती है। और बारिश के मौसम में मतलब कि ना ब्लॉग का ना शूट करना बारिश में ही सही लगता है, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ती हैं और बारिश हो रही हो तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और इस सर्दियों के अंदर बारिश के अंदर ब्लॉग बनाना मेरे तो बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है मैं अकेली घर को संभालती हूँ, काम काज मैं अकेली करती हूँ, कोई भी घर पे नहीं है। जो मेरा मतलब कि बीमार होने के बाद मेरे घर को कोई संभाल ले तो मेरे ऊपर ही मेरा घर डिपेंड है। तो बताइए सर्दी में बारिश के मौसम में तो नहीं बना सकती मैं बारिश वाला ब्लॉग, तो उसके लिए आपको 2-3 महीने का वेट करना होगा। बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं भी हो रही हूँ, जिस तरीके से आप भी एक्साइटेड हैं बारिश के मौसम में ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। बट अभी थोड़ा सा सीज़न सही नहीं है, बीमार हो सकती हूँ, हाँ मैं बना लेती बट ना ऐसा है, मतलब मेरे घर में कोई मेरा किचन संभालने वाला, मेरा घर संभालने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला, मेरी दवाई, मेरी सेहत का, तो एक बार रिस्क ले सकते थे। बट मैं अभी फ़िलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो भाई किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, मतलब ये बात नहीं है बीमार हो जाते हैं किसी के ऊपर बोझ बन जाते हैं, बट है ना मुझे यही लगता है, क्योंकि जब तक मैं खुद का काम खुद से नहीं करती हूँ तो और कोई मेरा काम करे तो मुझे यही लगता है मैं किसी के ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। भगवान ना करे कभी ये दिन दिखाए मैं किसी के ऊपर बोझ बनूँ, मुझे बोझ नहीं बनना है, मैं अपना काम खुद ही संभालती हूँ। और बीमार हो जाती हूँ तो मैं अपना काम घर का खुद ही करती हूँ, दवा खा लेती हूँ, जैसे ही हल्का आराम मिल जाता है अपना घर के काम संभालने जाते हैं, वो भाड़ में गया रेस्ट। अरे आधी बीमारी तो ना काम देख कर ही भाग जाती है,
और मतलब कि अगर नहीं भी करेंगे तो फिर आपको पता है घर के हालात क्या हो जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स है ना, मैं भी थोड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कंटिन्यू मैं अपने ब्लॉग को इसी तरीके से जारी रखूँ। अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरा ब्लॉग शूट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अपना ब्लॉग कंटिन्यू करना चाहती हूँ, कंटिन्यू बनाना चाहती हूँ, हाँ आप सबके साथ बात करना चाहती हूँ, ब्लॉग भी शेयर करना चाहती हूँ। तो बहुत से फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं लाइव आइए लाइव आइए, ना लाइव आने के लिए डाटा चाहिए और मेरे यहाँ पे कोई वाईफाई वगैरह नहीं है। और बोला है हमारे जेठ जी के लड़के हैं, उनसे कहा है क्योंकि उनको ज़रूरत होती है पढ़ाई के लिए, उनसे वो वाईफाई लगवाना चाहते हैं घर पर। अगर वो वाईफाई लगा लेते हैं तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा, मैं लाइव कर सकूंगी आप सभी के साथ। ओनली मुझे उतना ही 2 GB का डाटा मेरे को मिलता है और उसमें मैं ना अपनी वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। साथ में आप मुझे मतलब कि चेक भी करना रहता है अपना, मतलब कि आप लोग किस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार या दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो मतलब कि सब तरीके से चेक करना पड़ता है। उसके बाद और वीडियो भी ना एडिट करके अपलोड करना होता है, तो इतना डाटा मेरे को नहीं मिल पाता है। वो वाईफाई लगवा रहे हैं तो मतलब कि बोल दिया है भाई हाफ ऑफ कर लेंगे, बट आप वाईफाई लगवा लो तो मैं लाइव कर सकूंगी, मुझे भी आसानी होगी लाइव करने में। तो पोछा लगा रही हूँ मैं, किचन चिन साफ कर लिया है। तो गेहूं को भी साफ करना है क्योंकि आटा हो गया है ख़त्म, ड्रम हो चुके हैं खाली, आटे वाले जो ड्रम रखे हैं बाहर स्टील के, दोनों दोनों खाली हो गए हैं। एक अंदर रखा है भीतर किचन के अंदर कॉर्नर में और एक रखा है बाहर की साइड में। बाहर वाला तो पहले ही पता नहीं कब खाली हो गया था, और रहा किचन का तो उसमें भी 2 दिन का आटा है, मतलब कि सुबह शाम दोपहर का आटा रखा हुआ है जिसकी चपातियाँ बन जाएंगी, बाकी का आटा नहीं है। तो फिर ना मैं गेहूँ साफ़ कर लूँगी जिससे कि टाइम पे अपना आटा पिसका रह जाए, क्योंकि अगर लाइट वगैरह नहीं आई तो भाई कहाँ से पिसेगा आटा। तो जैसे ही लाइट आती है हस्बैंड ना सामने अपने आंखों के सामने पिसवा के जल्दी से ले आएंगे, तो अपना काम और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आटा की शॉर्टेज होती है। फिर ना इधर उधर से बोलना पड़ता है कि आप अभी अभी उधार दे दीजिए, जब हमारा पिस के आ जाएगा फिर उसके बाद देते हैं, मतलब कि मैं ही क्या, पड़ोस में तो यही होता है। तो चलिए अपना रूम और किचन का काम निपटा कर आई हूँ, लगभग बज रहा है 2:30 बज रहा है, 2:30-3 हो रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे मतलब कि सुबह तो ये काम कर रही इतना टाइम। देखो मैं बता देती हूँ, किचन का काम निपटाने के बाद फिर मैंने किया था रूम का काम करने के बाद फिर मैं अपने ये कपड़े वगैरह थोड़े बहुत रह गए तो उनको धुल के डाला। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ना अपनी वीडियो एडिटिंग करके आई हूँ और अपलोडिंग मैंने कर दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, मुझे 2:45 टाइम मिला है, मतलब कि ना मेरे को ना खुद के लिए कुछ भी टाइम नहीं मिला है, कहते खुद के लिए ओनली मैं काम काम के लिए मुझे टाइम मिला है बस, और कुछ भी नहीं। गेहूँ भी साफ़ करने थे, इधर मैं ये पर्दों को एक साइड में कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए, मैं बोरियाँ निकालूंगी गेहूँ की, तो गेहूँ की बोरियाँ ऊपर रखी हुई, हस्बैंड से बोल दिया था ऊपर चढ़ाने के लिए तो इनको ऊपर रख दिया छत के ऊपर ला के। तो ये पर्दा मैंने एक बार एक साइड में कर दिया है तो इनको पहले मैं रख देती हूँ। तो ये आटा मेरे को ना काफ़ी दिनों के लिए हो जाएगा, लगभग 3-3.5 महीने हो जाएंगे कट जाएंगे इससे, 3.5 नहीं तो मतलब कि त्यौहार आने वाला है और गेस्ट भी आते हैं, तो 3 नहीं तो मतलब कि 2.5 महीने तो हो ही जाएगा, 2.5 महीने इतना आटा चल ही जाएगा। तो अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है इस बात की। तो अब रहा है गेहूं को साफ करना। तो सुबह मैं नहा भी ली थी, पूजा पाठ मैंने सब कुछ करके मैं फ्री थी,
और अगर मैं ना ये नहाने से पहले मैं अगर इसको करती तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि सर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, सर भी धुलने को है, तो कल सुबह मैं सर धुल लूँगी। इसीलिए मैंने ये समय सही चुना है मैंने। और देख लीजिए अभी धूप थी, अब छाँव हो गई है, तो मेरे को ऐसे ही मौसम चाहिए था, कभी धूप कभी छाँव, क्योंकि अभी ठंडा भी है और हल्की हल्की सी इतनी गर्मी भी है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तब भी मैं इधर ही बैठी हूँ। कभी देख लीजिए ऐसा लगता है मतलब कि लाइट ऑन होती है और ऑफ हो जा रही है, इसी तरीके से लग रहा है ना। बट है ना, ये दिन का उजाला है, रात का उजाला नहीं है। कभी ऐसा लगता है लाइट आ गई है, तो कभी ऐसा लगता है कि लाइट चली गई है, तो ऐसा ही मौसम बन गया है। तो अब मैं ना इनको फटक लेती हूँ, तो इसके अंदर छोटे छोटे से मतलब कि जो टूटे हुए गेहूँ हैं हल्के हल्के छोटे छोटे से होते हैं वो निकल जाते हैं, और इसको फटकने से इसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह ये सारा कुछ निकल जाती है। देख लीजिए लाइट आ गई है। बट ये लाइट नहीं है, सूर्य लाइट ही समझ लीजिए। कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन। तो चलिए इसको मैं कर लेती हूँ साफ। वैसे तो ये बिल्कुल गेहूं साफ है, इसके अंदर थोड़ा सा मतलब कि डस्ट है, बट ना ये कहो कि कंकड़ मट्टी पत्थर वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ गेहूं है। तो इनको मैं फटक फटक कर इस बोरी के अंदर ऐड कर दे रही हूँ। मतलब कि गेहूं इस बार अच्छा आया है, नहीं तो मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको साफ करने में। इस तरीके से बीनना होता है, इसको चेक करना होता है इसके अंदर कहीं कंकड़ पत्थर मिट्टी तो नहीं है, बट नहीं है, और इसके अंदर निकल रही है, तो बस गेहूं वाली छोटी छोटी जो लकड़ियां होती हैं बस वो ही निकल रही हैं, उसको मैं बीन बीन के अलग करे जा रही हूं, और इन गेहूं को अच्छे तरीके से इसी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। तो ये करना, ये छोटी वाली बोरी है, इसको ये दोनों बोरी मेरे को साफ़ करनी है। अभी ये वाली बोरी ना भरी जाएगी, उसके बाद फिर ना हरी वाली बोरी है जो ग्रीन कलर की पड़ी हुई है पीछे साइड में, उसको भी मेरे को भरना है, जो मतलब कि दोनों खाली करी है उनको, दोनों को साफ़ करो। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लगभग लग जाएंगे 2 घंटे मुझे साफ़ करने में। लगभग 60 किलो गेहूँ है, 60 किलो होंगे, मतलब 55 और 60 के बीच के बैठेंगे ये गेहूँ। साठ किलो गेहूँ तो आराम से होंगे ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है इस बात का, क्योंकि 2 बोरियाँ हैं तो मुझे ज़्यादा ही लग रही है गेहूँ, क्योंकि होली भी है आने वाली है, तो मैंने कहा कि चलो ना सारा इकट्ठा ही पीस के रख लेते हैं, क्योंकि होली पे काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं। तो एक बोरी में कट्टे के अंदर कर लूँगी, जो स्टील का ड्रम है उनमें कर लूँगी, और एक बोरी को मैं सद्दल के ऊपर रख दूँगी स्लिप पर, जिससे कि वो एकदम सही बना रहेगा। वो होली के टाइम में मैं खोल लूँगी उस वाले बोरी को। तो वो वाला ब्लॉग तो आपने देखा था कब, जब अक्टूबर के स्टार्टिंग में जब मैंने गेहूँ साफ़ किए थे, तब मैंने वो वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था मैंने, तब से लेके अब जाकर ये हो रहा है। तब भी मतलब इतने ही गेहूँ साफ़ किए थे जितने ये 2 बोरियाँ रखी हुई हैं, ये दोनों बोरियाँ इसी तरीके से तब भी साफ़ की थी, तो वो मतलब कि चल गई हैं मार्च तक, अक्टूबर से लेके मार्च तक चल गई हैं। तो ये इसका भी अंदाज़ा है, ये भी चल जानी चाहिए, लगभग 3 मंथ तो चल जाना चाहिए ये। देखते हैं होली पे कितने गेस्ट आते हैं कितने नहीं। तो फिर ना स्टार्टिंग से मतलब कि लगे ही रहते हैं त्यौहार, फिर इसके बाद नवरात्रे हैं, तो नवरात्रों में करूँगी तो करूँगी मैं साफ, अगर ख़त्म हो गया तो नवरात्रि में करूँगी, नया आटा पिसवाऊँगी, नहीं मतलब नहीं गेहूँ पिसवाऊँगी। तो ये सारे मतलब कि गेहूँ साफ़ कर लिए, छोटे छोटे टुकड़े जो गेहूँ के बच गए हैं इसको मैंने मतलब कि फटक लिया है, पहले भी फटक लिया था और काफ़ी सारे नीचे ज़मीन पे गिर गए थे अच्छे भी, तो उन अच्छों को गेहूँ को निकाल लिया, और जो मतलब कि टूटे टुकड़े हैं उनको मैंने इसको भर ले रही हूँ, क्योंकि बतख आएंगी सुबह वो खा लेंगी इन गेहूँ को, ये टुकड़े वाले गेहूँ बतख को दे दूँगी, बतख आएंगी डकाएंगी
तो ये देख लीजिए मेरे गेहूँ हो चुके हैं साफ, और मैंने इनको बोरी के अंदर भर दिया है। और ये छोटे छोटे टुकड़े इनको भी भर के रख लेती हूँ इस पॉलीथीन के अंदर, ताकि डक आएंगे उनको मैं सुबह खिला दूँगी। तो फ्रेंड्स, ना उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरे ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।